तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थर्ड पार्टी की पेरोल के बारे में, यानी कि जो फ्रेंचाइजीज होते हैं या जो सिंपल वे में बोल देते हैं कंसल्टेंसी होते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनके थ्रू हायर करती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ विप्रो, TCS, IBM, टेक महिंद्रा या और भी सारी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो हायरिंग क्या करती हैं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग करती हैं। यानी कि जो पेरोल होता है, जो सैलरी होती है, वो उस फ्रेंचाइजी के थ्रू होके हम लोग तक पहुँचती है। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या वो सही होता है या सैलरी उनके थ्रू होके क्यों आती है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों, जो इसका रीज़न होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो सैलरी वगैरह होती है तो इनके थ्रू होके आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैंडिडेट वर्क कर रहा है 20,000 में, तो कई कई कंपनीज क्या होती हैं कि उस कैंडिडेट के लिए, उस फ्रेंचाइजी को, वो लोग 25,000 सैलरी देते हैं एंड वो फ्रेंचाइजी फिर बंदे को 20,000 या 22,000 रुपये सैलरी देते हैं। तो एक तो उनका एडवांटेज ये होता है कि उनको सैलरी का कुछ डिडक्शन उनको मिलता है। एंड सेकेंड एडवांटेज क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज 50 कैंडिडेट हैं और 50 कैंडिडेट की सैलरी 20,000 रुपये है, तो जो कंपनी से पेमेंट आती है, यानी जो कंपनी की सैलरी आती है, वो 1 तारीख को आती है। लेकिन फ्रेंचाइजी क्या करती है, उस सैलरी को कभी 3 तारीख में ट्रांसफ़र करती है या कभी 7 तारीख में ट्रांसफ़र करती है, तो वो उस बीच का जो 5 से 6 दिन का इंटरेस्ट है वो उस फ्रेंचाइजी को मिलता है। एंड इससे कंपनी का क्या बेनिफिट होता है कि जो उन्हें कैंडिडेट को वन बाय वन कॉल नहीं करना पड़ता है, वेरिफिकेशन नहीं कराने पड़ते हैं, ये सारे कुछ फ्रेंचाइजी करवा देती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एंड इनको जो पोर्टल्स वगैरह से रिज्यूमे उठाने होते हैं, रिज्यूमे वगैरह चेक करना होता है, फिर कैंडिडेट को कॉल करना, तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है कंपनीज़ को। यही, जहाँ तक मुझे लगता है, यही रीज़न है कि ये लोग फ्रेंचाइजीज को अपना वहाँ पर दे देते हैं हायरिंग प्रोसेस का। मैं बात कर लेता हूँ कि वहाँ पर जॉब करना सही है कि नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जॉब करना कोई गलत नहीं है वहाँ पे, या मतलब ये नहीं है कि 1 साल 2 साल बाद निकाल देंगे। अगर आप फ्रेंचाइजी के थ्रू, यानी कि थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू ही अगर आप जॉब कर रहे हो 4 साल 5 साल 10 साल, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आपके शायद माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर फिर इन केस फ्रेंचाइजी बंद हो गई तो फिर जॉब चली जाएगी या बनी रहेगी, जॉब वो आपकी बनी रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपका सिलेक्शन हुआ है और कल फ्रेंचाइजी बंद हो जाती है, यानी थर्ड पार्टी बंद हो जाती है, तो भी आपका सिलेक्शन रहेगा। बस ये है कि फ्रेंचाइजी चेंज हो जाएगी तो कंपनी उठा के किसी दूसरे को प्रोजेक्ट दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब चली जाए या जॉब ना रहे। बस थोड़ा सा ये इशू ज़रूर होता है कि लाइक जो हाइक वगैरह मिलती है, यानी कि सैलरी वगैरह बढ़ाते हैं 1 साल में 6 महीने में, तो वो फ्रेंचाइजी में आपको नहीं मिलता, सैलरी वगैरह इतनी जल्दी से नहीं बढ़ती है। तो अगर आप एज ए स्टार्टिंग करियर है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप फ्रेंचाइजी के थ्रू जा सकते हो और उनके पेरोल पे काम करो 1 साल या 6 महीने, जितना भी है, इसके बाद आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ दोस्तों, किसी भी फ्रेंचाइजी में, मैं ये 100% बता रहा हूँ, किसी भी फ्रेंचाइजी को इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए कभी भी 1 रुपये भी मत देना। और समझ लेना कि जो फ्रेंचाइजी रुपए के लिए डिमांड कर रही है, तो वो 90% तो फेक ही है, जहाँ तक मेरा मानना है, जो दिल्ली लोकेशन में चलता है, जो कंसल्टेंसी होती है, बेसिकली वो ज़्यादातर कंसल्टेंसी होती है, नॉट अ फ्रेंचाइजी। क्योंकि फ्रेंचाइजी कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई भी कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लेती है, लेकिन जो कंसल्टेंसी होती है, हाँ हम आपका करवा देंगे, सैमसंग में करवा देंगे, विप्रो में, गूगल में करवा देंगे, आप 1,000 दो 2,000 दो, इस तरीके से वो सब वहाँ पर लूटते रहते हैं। तो जो मैं तो यही कहूँगा कि जॉब्स के लिए कभी पैसे मत देना, नहीं तो पैसा लॉस ही चला जाएगा। इन केस आप उनको बाद में परेशान करोगे, आपने पैसा लिया ये वो, तो क्या बोलेंगे कि मेरे पास कॉल सेंटर में वैकेंसी है, आप करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर वो इस तरीके से बात करते हैं। अब वो कोई बंदा BTech, MTech या MCA वगैरह, BCA वगैरह किया हुआ कॉल सेंटर में नहीं करना चाहेगा, वो बात अलग है कि बहुत दिन हो गए और जॉब ना मिल रही हो, तो एक दैट्स अ डजेंट मैटर। लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट होगा तो कॉल सेंटर में जॉब नहीं करना चाहेगा, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो। कभी पैसे मत देना। और फाइनली मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार, फ्रेंचाइजी में या थर्ड पार्टी पेरोल पे जॉब करना गलत नहीं है, बस हाइक नहीं मिलता है जल्दी से, और थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा तो जॉब चली जाएगी या सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अगर स्टार्टिंग करियर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसको पढ़ के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ऑन स्पॉट दे देता हूँ। एंड अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मेरी मेल आईडी फाइंड कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को भी हिट कर लें क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड।